बोले मान जाते तो ठीक रहता। अच्छा एक बात और है, अगर परिवार को देखना है, परिवार में अगर किसी को छोड़ना पड़ जाए भगवान के लिए तो छोड़ दो। दादा विभीषण ने अपने सगे भाई को छोड़ दिया भगवान के लिए, भगवान ने पूरा, भरत ने पूरा परिवार छोड़ दिया भगवान के लिए, प्रहलाद ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया भगवान के लिए, ध्रुव ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया भगवान के लिए, और तो और राजा बलि ने अपने गुरु को छोड़ दिया भगवान के लिए। अगर उसे पाने के लिए किसी को छोड़ना पड़ जाए तो छोड़ दो। संकल्प के लिए पात्र उठाया तो गुरु जी को चैन नाए परो सोच रहे चेला लुटो जाए रो, तो उस लीला धर की लीला में गुरु ने लीला दिखलाई डाली, पात्र में बैठ कर उसी समय पानी की धार रोक डाली। अब सागर से पानी ना निकल रो तो राजा बलि बोले महाराज पानी बाहर ना आए रो, भगवान बोले हमें पता तुम्हारे गुरु जी फूटोगे, तो उस लीला धर की लीला में प्रभु ने लीला दिखलाई डाली और कुसकी नोक चला करके जट बाइया जो आग फूटी, गुरुजी बाहर आए बोले चेला से तो मान जाते आग फूट गई, चेला बोलो तो भाई दोनों फूट जाए हम मानवे वाले नहीं मानोगे नहीं, ठीक है संकल्प हुआ और जैसे ही संकल्प हुआ महाराज अब बोले भगवान नापे, बोले नापो हुआ ऐसा लला Thank you.
उस विश्व रूप की साया ले, सूरज के अंश नाप डाले और तीन ही कदम की पृथ्वी में तीनों लोग। प्रभु बोले खाता खत्म हुआ, अब थोड़ी शेष और दे दे, ले चुका दान के तीन कदम, बस आधा कदम। जब आधे कदम की बात आई तो प्रभु को क्रोध आया। राजा बलि की पत्नी है जिसका नाम है विद्यावती, ये कहां गया? महाराज विंध्यावती ने जवाब दिया, ठहरो प्रभु, आप एक बात बताइए, दुनिया में दान बड़ा होता है या दानी? सवाल कियो, किस दुनिया में दान बड़ा होता है या दानी? तो भगवान बोले, देवी पैसा तो बहुत लोगों के पास है इस दुनिया में, लेकिन दिल जो होता है वो बहुत कम लोगों के पास है। जो पैसे को धर्म के नाम में दे दे और धर्म में लगाए तो हमारी नजर में दान से बड़े दानी हो गए। विंध्यावती बोली, महाराज आप दान के तो तीन कदम ले चुके हो, अब दान खत्म है गो तो दानी दानी बचे की पीठ नाप ले। राजा बलि की एक बिटिया और थी जिसका नाम था रतनमाला। जब भगवान 52 अंगुल के बन के आए तो रतनमाला ने जब देखो तो विचार कियो कि अगर ऐसा बेटा हमारे पैदा है जावे तो मैं उसे स्तनपान कराऊंगी। और जैसे ही भगवान ने तीन कदम में तीनों लोग नापे तो रतनमाला विचार कर रही है कि अगर ऐसा बेटा मेरे पैदा हो गया तो उसे जहर देके मार दूंगी। भगवान ने कहा तथास्तु, तेरी दोनों इच्छाएं पूरी होंगी। यही रतनमाला द्वापर में आके हुई, पूतना बोली गोविंद भगवान की। महाराज यहां आधे कदम में भगवान ने पीठ नापी, खड़े हो गए राजा बलि। भगवान प्रसन्न है कि बोले, अरे राजा हम तो से बड़े प्रसन्न है, तू हमसे कुछ मांग ले। राजा बलि बोले, ये ठीक है, अभी हमसे कह रहे थे कि हमें दे दो, अब हमसे कह रहे मांग लो, तो सुनो मंगते हम मांगत नहीं, हमारी आदत नहीं बेकारी अंत मांग ले। अरे बोले नहीं मांग, जवाब दो, अगर नहीं मान रहे हो तो सुनो, जो पातालपुरी में मेरा महल है आप उस महल का पहरा लगाओगे, ठीक है? भगवान पहरा लगा रहे। जब क्षीर सागर में नाए पहुंचे, बड़े दिन है गए, अब पति ना हो तो पत्नी रह भी नहीं सकती, तो बाबा नारद पहुंचे। बोले ओ मैया, बुला क्या हुआ? तू उदास है? बोले हाँ हूं ना। ओ प्रभु 15-20 दिन है गए ना आए। बोले मैया अब तू चिंता ना कर, उनकी नौकरी लग गई। बोले नौकरी लग गई? हाँ। तो तनखा कितनी है? जवाब दो, कुछ वरनी ना, छुट्टी है महीना पे एक दो। बोले कब होना? अच्छा तो अब रिटायर कब हो? बोले पता ना। बोले कुछ खंडन मिली? बोले चवन मिली। कौन सी नौकरी? मैया ने जवाब दिया, नारद एक बात सुनो,
इस दिल से जुदा प्रभु हमसे हुए इस दिल